नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों टीजीटी की बड़ी खबर आ रही है, विज्ञापन में तदर शिक्षकों के पद को भी जोड़ा जाए। तो आइए पूरी खबर को देख लेते हैं कि आखिर इस मुद्दे में जो है क्या अपडेट है। टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में तदर शिक्षकों के पदों को भी शामिल किया जाएगा। प्रतियोगी छात्रों ने सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया है, सीएम और पीएम को ट्वीट किया है। छात्रों का आरोप है प्रबंधकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों की मिलीभगत से हो रही है गड़बड़ी, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आई है वो बहुत ही कम आई है, जबकि 22,000 तदर शिक्षकों के पद भी रिक्त हैं। अब तदर शिक्षकों के रिक्त पदों के बारे में आप जानते ही हैं कि 2020 के बाद के जो तदर शिक्षक हैं वो इलीगल तरीके से नौकरी कर रहे हैं और उससे संबंधित खुद सरकार ने जो है नोटिस जारी किए। कई ऐसे पत्र सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं कि इनके वेतन रोक दिए जाए, सुप्रीम कोर्ट का नियम है। तो अब ये जो पत्र है एक बहुत बड़ा सबूत है छात्रों के पास। छात्रों की नज़र जो है मुख्यमंत्री की तरफ इसमें लगी हुई है कि आखिर क्या फैसला मुख्यमंत्री जी इस पर लेते हैं, क्योंकि छात्र उसके बाद ही अपनी अगली कार्रवाई करेंगे। अगर यहाँ से कोई इनकी डिमांड पूरी नहीं होगी तो ये बिल्कुल कोर्ट का रुख करेंगे। और जो सबूत है, जो सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा बहुत सारे पत्र वायरल हुए हैं, जो खुद गवर्नमेंट की तरफ से वायरल किए गए हैं, जारी किए गए हैं, वो सब एक बहुत बड़े सबूत के रूप में छात्रों के हाथ में है। तो ये जो तदर शिक्षक हैं इनका जो है 22,000 जो इनके पद इसमें जुड़े हुए हैं, इन पदों पर जो है टीजीटी पीजीटी के नई भर्ती के छात्रों का दावा बनता है। और ये पद छात्र इसके लिए अभियान चलाए हैं कि ये पद 4163 पदों की जो नई भर्ती आई है इसी भर्ती में इन पदों को जोड़ दिया जाए। और उधर प्राइमरी की बात करेंगे तो 51,112 पद सरकार ने खुद बोला कि हाँ ये खाली हैं, और 1,62,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की बात कही, लेकिन यहाँ पर जो है भी कोई बात बनती नहीं दिख रही है। छात्र शिक्षक अनुपात का आकलन किया जा रहा है अभी भी, और उसके बाद ही कोई निर्णय लेने की बात कही गई है। तो दोस्तों तदर शिक्षकों के इस अभियान में आप सब लोग शामिल हो जाइए। एक हैशटैग है, उस पर जो है सभी लोग ट्विटर अभियान में शामिल रहे, और युवा मोर्चा आपके साथ है, युवा मोर्चा का साथ दें। और ये भर्ती जो है आप लोगों के लिए ही है, हो सकता है इस भर्ती में ये पद ऐड हो जाए, नहीं तो अगली भर्ती इसकी आ जाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप क्या चाहते हैं, क्या ये सही है कि इस भर्ती को इसमें जोड़ा जाए या फिर सही नहीं है। तदर शिक्षकों को जो है जब उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है तो उनको कॉलेज में उनका कोई काम है कि नहीं है, इन सब पर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।